अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब नादरा का एक अकाउंट बनाएं और उस एक अकाउंट से बेशुमार सर्विसेज से फ़ायदा उठाएं। मैं थोड़ी सी आपको बता भी देता हूं आप किन किन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आप अपना अकाउंट बना के अपने ही फ़ायदे लेते जाएं, आप अपने दोस्तों के, अपने फैमिली मेम्बर्स के सब की एप्लीकेशन इस अपने एक अकाउंट से दे सकते हैं। आप आईडी कार्ड रीन्यू कर सकते हैं, गुमशुदा अप्लाई कर सकते हैं, डैमेज अप्लाई कर सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशन करनी है आप कर सकते हैं। आप फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए या पाकिस्तान से बाहर रहते हुए अपने पासपोर्ट को रीन्यू करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। गुमशुदा अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। गुमशुदा सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है। अगर डैमेज हो गया ओवरसीज पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं। नई पैदा होने वाले बच्चों का ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो वहाँ पर बैठ के ही नया पासपोर्ट बना सकते हैं। तो बेशुमार इस तरह की सर्विसेज हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी आप इसी एक अकाउंट से बना सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हर एक पाकिस्तानी को जिसके पास पाकिस्तानी शिनाख्ती कार्ड है या नहीं है, मोबाइल यूज़ करते हैं, उसका नादरा का अकाउंट भी लाजमी तौर पे होना चाहिए। नादरा का अकाउंट कैसे एक मुकम्मल प्रॉपर बनाना है चले मैं आपको वो भी बताता हूँ। अगर आपका अपना शिनाख्ती कार्ड नहीं है तो कम अज़ कम आप अपनी फैमिली को इस परेशानी से बचा सकते हैं, उनको जाके नादरा में लंबी लाइनों से बचा सकते हैं। आप घर बैठे उनका आईडी कार्ड रीन्यू वगैरह कर सकते हैं। इन सब के लिए जो भी आपने काम करना है, इन सबसे पहले आपका नादरा का एक प्रॉपर अकाउंट होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे, सीखेंगे कि नादरा का एक प्रॉपर अकाउंट कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम बाकी नादरा की हर एक सर्विस पे स्टेप बाय स्टेप जो है वो वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगा और आप उसको देख के कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले अकाउंट बनाने के लिए आपने क्या करना है, अच्छा उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप ये मोबाइल से भी कर सकते हैं, आप ये कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फोन से ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करके आपने वेबसाइट ओपन करनी है नादरा की, id.nadra.gov.pk। इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे, ये पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया के हर एक कंट्री में ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ऐसे जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, यहाँ पे अप्लाई नाउ लिखा हुआ मिलेगा। अप्लाई नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है रजिस्टर एन अकाउंट, रजिस्टर एन अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। रजिस्टर एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा। अच्छा, सबसे पहले आपने ऊपर जो है वो आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, पहला नाम। मिसाल के तौर पे मेरा तैयब महमूद है, पहले नाम में तैयब आएगा, दूसरे में सर नेम में महमूद आएगा। मैं अपने अकाउंट से किसी दोस्त वगैरह किसी फैमिली मेम्बर की एप्लीकेशन भी दे सकता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपका फर्स्ट नाम, सर नेम में दूसरा नाम आपका आएगा। ऐसा नहीं है कि मेरा अगर मिसाल के तौर पर मोहम्मद तैयब और आगे मेरे फादर का नाम है तो मैं ऊपर पूरा अपना मोहम्मद तैयब लिख दूं और नीचे सर नेम में फादर नेम लिख दूं, ऐसा नहीं करना। ऊपर सिर्फ एक ही नाम आएगा, ठीक है, तैयब है तो ऊपर तैयब, नीचे सर नेम में महमूद। अगर आपका लंबा नाम है तो शॉर्ट यहाँ पे लिख लें, जरूरी नहीं होता कोई। उसके बाद आप इस टाइम कौन सी कंट्री में है, जिस कंट्री में भी आप मौजूद है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैं सऊदी अरबिया में हूँ तो मैंने यहाँ पे सऊदी अरबिया किया। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर आपका कोई भी है, पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बाहर जिस भी कंट्री में है वहाँ का मोबाइल नंबर लिखना है। नीचे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, ईमेल एड्रेस जरूरी होता है, ईमेल एड्रेस लिखना है और आपने पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए, उसमें ABC बड़ी भी इस्तेमाल करनी है, छोटी भी इस्तेमाल करनी है, कोई स्पेशल करेक्टर भी इस्तेमाल करने है और उसके अलावा कोई डिजिट भी यूज करने है। स्पेशल करेक्टर ये किस तरह का होता है ओवरऑल मिला के मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखा दिया है। ये सब करके ये नीचे जो भी आपकी तरफ कैप्चा कोड आएगा, मेरी तरफ आया UTH, आपकी तरफ कोई भी आ सकता है, ये हर बार अलग अलग आता है। ये सब कुछ करके आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करनी है। अच्छा, जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे देखें जी, वो कह रहा है कि आपको एक लिंक जो है एक्टिवेशन लिंक वो आपको ईमेल में सेंड कर दिया गया है। अब उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद आपने करना ये है सिंपली आप अपना जीमेल ओपन करें, यानी कि जो आपने ईमेल लगाया है उसका आप इनबॉक्स ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो अपने इसका जो इनबॉक्स है वो मैं ओपन करता हूँ, जीमेल इनबॉक्स, या फिर मेल भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है वो इसको ओपन कर लेता हूँ, जीमेल को, मेल्स को ओपन करता हूँ अपनी को। तो यहाँ पे देखिए जी, मुझे एक नादरा का रजिस्ट्रेशन अकाउंट और रजिस्ट्रेशन लिंक आया हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें एक मुझे कोड आया हुआ है 3828। आपको भी इस तरह से कोई भी कोड एक रिसीव हुआ होगा, वो कोड आपने नोट कर लेना है और नीचे कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है उसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब जो आपको कोड रिसीव हुआ था वो अकाउंट कोड आपने यहाँ पर टाइप करना है और उसी तरह से जो भी कैप्चा कोड आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है और नीचे वेरीफाई लिखा हुआ है वेरीफाई पे आपने क्लिक करनी है। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ये लें जी योर अकाउंट प्रोसेस हैज़ बिन कम्प्लीट, हमारा अकाउंट जो है ये बन चुका है। अब इसके एक बार मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ
यहाँ पे देखें जी, मैं इसको लॉगिन करता हूँ उसी ईमेल और पासवर्ड के साथ जो हमने अभी अकाउंट बनाया था। तो यहाँ पे मैंने वो पासवर्ड वगैरह लगा के कैप्चा लगा के लॉगिन के ऊपर क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, इनको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करते हैं। तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करने के बाद ये देखें जी, ये आ चुका है हमारे सामने नादरा का मेन पेज। यहाँ से अब हम नई एप्लीकेशन दे सकते हैं, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे जितने भी हमने एप्लीकेशन दी होगी उनका स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा। नई एप्लीकेशन के अंदर बेशुमार चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं, और ये जितनी भी चीज़ें नादरा आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है, DGIP डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है, इन सब के ऊपर मैं वन बाय वन करके वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा प्रैक्टिकली मुकम्मल, जिससे आप फ़ायदा उठा के आसानी के साथ घर बैठे अपना पासपोर्ट को रीन्यू कर सकते हैं, और उसके अलावा जितने भी सर्विसेज ऑनलाइन है वो सब आप कर सकते हैं। ये एक ही नादरा का अकाउंट इस्तेमाल होगा नादरा की सर्विसेज के लिए भी और पासपोर्ट की सर्विसेज के लिए भी। तो इसके लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप उनसे फायदा उठाते रहें। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।